हेलो माय डियर फ्रेंड्स आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो आ चुकी है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इसमें आपको एक नहीं बहुत सारी वैकेंसीज मिलने वाली है आपको बहुत सारे ऑप्शनस मिलेंगे किसी में फ़ीस नहीं होगी तो किसी में एग्ज़ाम नहीं होगा हर वैकेंसी अपने आप में एक स्पेशल है और अच्छी पोस्ट पे है तो आप इसको ये वैकेंसी ज़रूर से देखनी चाहिए आपके काम की एक ना एक वैकेंसी इसमें से ज़रूर से होने वाली है तो चलिए आप हम स्टार्ट करते हैं फ़र्स्ट हम देखेंगे झारखंड की तरफ से झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से है ये वाली पोस्ट इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो इसमें क्या रहने वाला है फार्मासिस्ट टेबलेट टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन एंड हॉस्टेस कैटेगरीज में टेंथ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं सो डोंट वरी ऐसा मत सोचना कि सिर्फ हमारे पास डिप्लोमा या डिग्री होगी जब हम अप्लाई कर पाएंगे नंबर ऑफ़ वेकेंसीज़ की बात करें तो इसके अंदर आपकी टोटल जो है ढाई हज़ार से भी ज़्यादा वैकेंसी के अंदर आपके लिए रखी गई हैं और इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम एक देना पड़ता है उस एग्ज़ाम का नाम है झारखंड पैरामेडिकल जॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप इस एग्ज़ाम को दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है बट इसकी जो इस स्टार्टिंग डेट है तेईस जनवरी से है यानी कि आज है हमारी बाईस जनवरी कल से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फीस पे करने की लास्ट डेट छब्बीस फरवरी रहने वाली है और अप्लाई करने की लास्ट डेट बाईस फरवरी रखी गई है फोटो एंड सिग्नेचर अप्लाई करने के लिए आपको महीने के लास्ट तक का टाइम दिया जाएगा वैसे तो महीना उनतीस का है आपको अट्ठाईस तारीख तक टाइम यहाँ पर दिया जाएगा करेक्शन की बात करें तो एक मार्च से लेकर तीन मार्च के बीच में आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे उनतीस हज़ार दो सौ रुपये से लेके बानवे हज़ार तीन सौ रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रखा जाएगा एंड अगर आप होस्टेस कैटेगरी ए के लिए अप्लाई करें तो चौवालीस हज़ार नौ सौ रुपये से लेकर एक लाख बयालीस हज़ार चार सौ रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रहने वाला है क्वालिफिकेशन कितनी जाएगी तो आपने ऐसे सोचा होगा कि बहुत हाई चाहिए तो इतनी ज़्यादा हाई नहीं चाहिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका फार्मेसिस का डिप्लोमा होना चाहिए आप जब इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो एज अ के तौर पे भी आप यहाँ पे अप्लाई करके मतलब पोस्ट मिल सकती है तो इस कैटेगरी के अंदर ही रहेगी परफेक्ट इस कैटेगरी के लिए नहीं रहने वाली है एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 साल से लेकिन 35 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ये है जनरल कैंडिडेट का अगर आप ओ या फिर बैकवर्ड यानी बी क्लास से हैं तो आपका सैंतीस साल मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए और अगर आप फीमेल हैं तो अड़तीस साल एंड अगर आप एस सी से हैं तो आपका यहाँ पर चालीस साल रख लिया जाता है एस सी एस टी वालों के लिए चालीस साल रहने वाली एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें कुछ इतनी ज़्यादा आपसे नहीं मांगी गई है अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट हैं और आपके पास झारखंड का रेजिस्टेंस है तो आपकी पचास रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी और अगर आप किसी अदर इस्टेट से हैं लाइक आप यू पी से हैं एम पी से हैं मतलब कहीं से भी हैं इसके अलावा तो आपका सौ रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है नेक्स्ट सिलेक्शन किस तरीके से होगा तो आप यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम के तौर पे इसमें सिलेक्शन आपका करवा सकते हैं नेक्स्ट है सीआईएसएफ की तरफ से यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फ़ोर्स की तरफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड की ए एस आई की पोस्ट रहने वाली है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो आठ सौ छत्तीस यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी रखी गई है बीस जनवरी से लेकर बीस फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड आपका जो एग्ज़ाम होगा मे बी ऐसा चांस है कि मई या जून में हो जाए बाकी अगर कोई भी अपडेट मिलती है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें आपको अपडेट मिल जाएगी नेक्स्ट सैलरी कितनी होगी तो उनतीस हज़ार दो सौ रुपये से लेकर पानवे हज़ार तीन सौ रुपये के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रहने वाला है बट इसमें आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा अठारह साल से लेकर पैंतीस साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर पाएंगे एप्लीकेशन फ़ीस आपसे कुछ भी नहीं ली जाएगी बिल्कुल भी एप्लीकेशन फ़ीस आपसे यहाँ पर आप रिक्वायरमेंट नहीं की जा रही है रिटर्न एग्ज़ाम होगा देन फिजिकल टेस्ट होगा देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे अगर आपको नहीं पता कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है तो आज के लिए हर मतलब मैक्सिमम जो वैकेंसी है उसमें क्या है मैंडेटरी हो गया 2024 के रू रूल्स के हिसाब से एक वीडियो बन चुकी है आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या रूल है कितने सेट बना सकते हैं एक्सेट्रा हर चीज़ आपको वहां पर मिल जाएगी नेक्स्ट है हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यानी कि पशु परिचर में से और इसके अंदर क्या है पाँच हजार नौ सौ चौंतीस के अंदर टोटल वेकेंसी रखी गई है सत्रह फरवरी आवेदन करने की लास्ट डेट रहने वाली एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हैं आप चाहे तो अभी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेवल आपका वन रहने वाला है ट्वेल्थ पास अगर आप हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अट्ठारह से लेकर चालीस साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं हर कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है चाहे वो डिसेबल ही क्यों ना हो जनरल ओबीसी एंड एमबीसी के लिए छः सौ रुपये अपलीकेशन फीस है वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं लाइक एससी एसटी बीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस तो ई डब्ल्यू यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन तो चार सौ रुपए रहने वाली है एस सी के बाद हमारा आ जाते हैं डिसेबल कैंडिडेट जो किनके कि इनके पास पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट यानी कि उन्हें हम ये भी कहते हैं तो चार सौ रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रहने वाली है नेट बैंकिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं बस इसमें मैम हो जाता है आपका पी डब्ल्यू डी सर्टिफिकेट सिलेक्शन आपका एग्जाम बेस होने वाला है उसके बाद अप्लाई आप ऑनलाइन मोड पे कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से नेक्स्ट हम देखेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस का इसमें पुलिस की अलग ही वैकेंसी है कि इसमें अगर आप पांच भी बाज है ना तो भी आवेदन कर सकते हैं किस तरीके से मैं भी डिटेल में बताऊंगी वीडियो में रहना छत्तीसगढ़ पुलिस से है कॉन्स्टेबल जीडी ड्राइवर ट्रेड की पोस्ट रहने वाली है पाँच हज़ार नौ सौ सड़सठ वैकेंसी यानी कि आप छः हज़ार के अप्रोक्स इसे मान सकते हैं लास्ट डेट अप्लाई करने की पंद्रह फरवरी यानी कि आपको आधा महीना पूरा मिलने वाला है अगले महीने का भी साढ़े उन्नीस हज़ार तक रुपये आपकी सैलरी रहने वाली प्लस इसमें अगर आप टेंथ पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं यानी कि नक्सल पीड़ित परिवार तथा राहत शिविरों में निवासित परिवार से संबंधित श्रेणीज़ के अभ्यर्थी जो पाँचवीं उत्तीर्ण हैं वो भी पात्र हैं और अगर आप अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं यानी कि उस कैंडिडेट के अंदर आप आते हैं एस वालों का तो आपका एट्थ पास से तो भी हो जाएगा एज लिमिट ज़्यादा नहीं है अठारह साल से लेकर अठारह तो हर वैकेंसी में होती है रेलवे कुछ वैकेंसी होती है जिसमें पंद्रह साल मांगा जाता है वैसे इसमें अठारह से अट्ठाईस साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है तो अगर आप जर्नल ओ बी सी कैंडिडेट आपकी दो सौ रुपये फीस रहेगी एस सी एस टी से हैं तो एक सौ पच्चीस रुपये एप्लीकेशन फीस रहने वाली है पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर पाएंगे सिलेक्शन किस तरीके से होगा तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पी टी फिर पी एस टी फिर टेस्ट फिर, फिर रिटर्न एग्जाम और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन फिर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन देखा है इसमें भी डीवी मैंडेटरी है तो आप लोग वीडियो जरूर से वॉच कर लेगा अप्लाई आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे हम वैकेंसी अब नहीं है तो आई होप आपको ये सारी वैकेंसी ज़रूर से पसंद आएगी फिर भी आपको किसी भी वैकेंसी में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आपको आंसर ऑन टू एंड ऑन द स्पॉट मिल जाएगा एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं फिर भी इस वीडियो को शेयर करना क्या पता जिसे आप शेयर करें वो इसका ही वेट कर रहा हो तो आप लोगो इस जादे जादे लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी है जितने लोगों के पास आप कर सकें कोई भी क्वायरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू